हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी लोगों के स्टडी फाइव पॉइंट सिक्स में तो ये देखिए बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर परीक्षोपय योगी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुविकल्पी प्रश्न है ये भूगोल कक्षा 12 यूपी बोर्ड का तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप से या बहुविकल्पी प्रश्न उठाए गए हैं पाठ सात है आपका पाठ का नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप तो चलिए आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न जो है स्टडी फाइव पॉइंट सिक्स पर कराए जा रहे हैं अगर आप स्टडी फाइव पॉइंट सिक्स पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्रश्न आपका पहला आपका कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध है तृतीय क्रियाकलाप संबंध है किससे संबंधित है तो सेवा क्षेत्र में तृतीय कलाकलाप किस में संबंधित है वो आपका सेवा क्षेत्र से तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा आपसे नंबर ए आप भी बताइए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप भी बताइएगा आंसर प्रश्न दूसरा है आपका आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात किससे संबंधित है तो लोगों का एक बहुत बड़ा अनुपात जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है किससे संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है तो आप लोग इसे याद करते हुए चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं डेली स्टडी फाइव पॉइंट सिक्स पर अगर आप जरूर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा आपका कहता है कि कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में कि कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है कि परामर्शदाता जो है वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा चौथा प्रश्न है आपका नगरी बाजार केंद्र निम्नलिखित में कौन एक सेवा उपलब्ध नहीं होती है तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही राइट आंसर होगा अवाधिक बाज़ार जो है नगरी बाजार केंद्र में से सेवा उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि यह एक ग्रामीण बाजार है आवाधिक बाज़ार जो है ये गाँव में लगाई जाती है आपकी जो पशु चिकित्सा है ये नगरी बाज़ार केंद्र की सेवा है शैक्षणिक सुविधा भी नगरी बाज़ार केंद्र की सेवा है कानूनी सलाह भी नगरी बाज़ार केंद्र की सेवा है लेकिन जो आपकी आवाधिक बाज़ार है यह आपकी गाँव में लगाई जाती है एक निश्चित अवधि के लिए लगाई जाती है इसीलिए लिए बाज़ार जो है नगरी बाज़ार केंद्र की सेवा नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने से संबंधित है पांचवा प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने से संबंधित है तो फुटकर व्यापार ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसका राइट आंसर होगा फुटकर व्यापार जो है वो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करने से क्या है संबंधित है प्रश्न छाठवा है आपके स्क्रीन पर व्यक्तियों विनिर्मित माल एवं संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं परिवहन कहते हैं वेरी सिंपल आंसर है इस प्रश्न का इसे हम क्या कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं या संपत्तियों को ले जाने को हम क्या कहते हैं परिवहन कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जो हो होगा वही राइट उत्तर हो होगा प्रश्न सातवाँ है आपके स्क्रीन पर संचार में किसका प्रेषण सम्मिलित होता है प्रश्न सातवा है कि संचार में किसका प्रेषण सम्मिलित होता है तो इन सभी ऑप्शन नंबर जो डी है वही राइट उत्तर होगा इन सभी का होता है शब्दों तथा संदेशों का भी होता है विचारों का भी होता है तथ्यों का भी होता है जहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है इन सभी का तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा प्रश्न आठवाँ है आधुनिक समय में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय कलाप क्या है तो आधुनिक समय में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा आधुनिक समय में विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप जो है पर्यटन है चौथ नवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर चतुर्थक क्रियाकलाप में सम्मिलित है चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या सम्मिलित है आप लोग खुद इसे बताइए तो देखिए वेरी इजी आंसर ये भी था चतुर्थक क्रियाकलाप में ये सभी क्या है सम्मिलित है सूचना का संग्रहण भी सम्मिलित है उत्पादन और प्रकीर्णन भी सम्मिलित है अनुसंधान एवं विकास भी सम्मिलित है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये सभी तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा प्रश्न दासवाँ है निम्नलिखित में से कौन ग्राहक स्रोतन से संबंधित है प्रश्न दासवाँ का उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी ये सभी जो हैं ई लर्निंग बैंकिंग बौद्धिक संपदा जो है वो ग्राहक स्रोतन से क्या है संबंधित है तो ऐसा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर इस वीडियो से मदद मिली होगी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद